देख रहे हैं satyahindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक बार फिर संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए 400 सीटें जीतना चाह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। आप सांसद ने कहा कि अब बीजेपी की मानसिकता उजागर हुई है तो आरएसएस की ओर से सफाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम कहते रहे हैं कि देश में भीमराव अंबेडकर का संविधान चलता है, लेकिन बीजेपी में भागवत जी का संविधान चलता है। बीजेपी कहती है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें संघ प्रमुख के नाम से आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस वीडियो पर आज रविवार को मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनके नाम से फर्जी वीडियो चलाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि संघ आरक्षण का पक्षधर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ओडिशा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के सत्तारूढ़ बीजेडी और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है, दोनों ने मिलकर जनता को सिर्फ चूना लगाया है और पान खिलाया है। यहाँ बीजेडी और बीजेपी शादीशुदा हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली के चाचा और नवीन बाबू ने पार्टनरशिप की है, चाचा और नवीन बाबू ने मिलकर ओडिशा की जनता को पान दिया है। पान यानी राज्य को पांडियन अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक चला रहे हैं, उन्होंने तुम्हारी सारी संपत्ति चुरा ली है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली का नया बयान सामने आया है। पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। लवली ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है और केवल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के विरोध में उन्होंने पद छोड़ा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार सवाल उठा रहे प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पलटवार किया है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल असल मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक चिदम्बरम ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन शब्दों और वाक्यों को खोजते और पढ़ते रहते हैं जो वहाँ लिखे ही नहीं हैं। वह एक ऐसे कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं जिसे उनके गुमशुदा भाषण लेखकों में से एक ने लिखा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री को काल्पनिक भूतों से लड़ते देखना निराशाजनक है। उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल वास्तविक मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। देश के चुनावी माहौल में राजनेताओं की तीखी जुबानी जंग जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी का 24 सेकंड का एक वीडियो क्लिप एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वह चाहते थे वह कर देते थे, किसी की जमीन चाहिए होती थी वह उठाकर ले जाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आज़ादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और देश को संविधान दिलवाया। अब उनके इसी बयान को लेकर अमित मालविया ने हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने भी राजपूत समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से राजपूत समाज में आक्रोश छाया हुआ है। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला ने बाद में अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी आज़ादी की लड़ाई को भी तुष्टिकरण के नज़रिए से लिखवाया है। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया है, राजाओं को अपमानित किया। भारत में जो अत्याचार सुल्तानों ने किए, निज़ामों ने किए, बादशाहों ने किए, लेकिन आप राजाओं को अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस औरंगजेब की गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है, ये भूल गए जिन्होंने हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट किया, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में भूमिका निभाई। कांग्रेस के शहजादे में नवाबों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है, यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखती है। जहां कांग्रेस आती है तो विकास रुक जाता है।
यूपी की बरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर लगातार अटकलें जारी हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन वे डर रही हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार नहीं है। राहुल गांधी भी अमेठी छोड़कर दक्षिण भारत चले गए। प्रियंका गांधी उल्टे सीधे बयान दे रही हैं, जो कि देश की जनता पसंद नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने उनके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाल ही में पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था। वहीं मामले को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब भाजपा के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है। आतिशी ने कहा कि तानाशाही सरकार में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है, आज यही हुआ है। भाजपा के एक और हथियार चुनाव आयोग ने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग को भाजपा द्वारा रोज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक लेते हैं तो नोटिस आ जाते हैं। आप नेता ने आगे कहा कि आपके कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी भाजपा का जिक्र नहीं है, हमने तानाशाही से लड़ने की बात कही है। इस पर चुनाव आयोग कहता है कि यह रूलिंग पार्टी की आलोचना है, तब तो चुनाव आयोग भी मान रहा है कि भाजपा तानाशाही कर रही है। भाजपा वाले सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके तानाशाही करें तब चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम इसकी खिलाफत और जिक्र भी करें तो आयोग को इससे दिक्कत होती है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के फैसले का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे में लिखा कि कांग्रेस की दिल्ली यूनिट उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, जो कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बनी है। इसके बावजूद दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आई हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने भी अपने भतीजे और सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कई कथित अश्लील वीडियोस वायरल होने के मामले से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जांच से सच सामने आने दीजिए। साथ ही कुमार स्वामी ने यह भी कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी जाने से उनका कोई लेना देना नहीं है और यदि जांच में रेवन्ना की ज़रूरत है तो उसे वापस लाना एसआईटी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों के सामने आने का इंतज़ार करेंगे। हासन से जुड़ा ये मामला चुनावों के समय में सामने आया है, पूरे तथ्य सामने आने दीजिए। कर्नाटक के हासन जिले से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में जेडीएस नेता ने दावा किया कि वायरल हो रहे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे उनकी छवि खराब करने और मतदाताओं के दिमाग में जहर भरने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक में जेडीएस के सहयोगी बीजेपी ने कथित मामले को लेकर प्रज्वल रेवन्ना से दूरी बना ली है। भाजपा की राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता एस प्रकाश ने कहा कि एक पार्टी के रूप में हमारा वीडियो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमें कथित सेक्स स्कैंडल में राज्य सरकार द्वारा घोषित एसआईटी जांच पर कोई टिप्पणी करनी है। कर्नाटक के हासन जिले से सामने आए महिलाओं संग अपराध के मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेक्स स्कैंडल में हासन से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी सामने आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक पुलिस को जानकारी है कि प्रज्वल रेवन्ना शनिवार को जर्मनी के फ्रैंकफुर्ट शहर रवाना हो गए। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार सीएम सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के मामले में सरकार ने एसआईटी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हासन में आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। इस संबंध में महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को एसआईटी जांच कराने के लिए चिट्ठी लिखी थी, इसलिए यह फैसला उनके अनुरोध के जवाब में लिया गया है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आज़ाद होने के दूसरे दिन ही प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, तब जाकर 500 साल का सपना पूरा होता है, 500 साल का इंतजार समाप्त होता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन जिस अंसारी परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात के लिए कोर्ट में लड़ाई की और कहा कि यहाँ राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद थी, उन्होंने जिस दिन कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि हमारे लिए कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, और अंसारी ने मुसलमान होने के बावजूद भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसमें शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये फर्क होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को दावा किया कि बीजेपी की आरक्षण को खत्म करने की कोई मंशा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आने पर आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार 10 साल से चल रही है, दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। अगर आरक्षण खत्म करने की मंशा होती तो खत्म हो चुका होता, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने दलित पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है कि जब तक बीजेपी की सरकार है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इजराइल और हमास के बीच गजा में संघर्ष विराम लागू कराने के लिए प्रयास जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है तो इजराइल दक्षिणी गजा के रफा पर अपने हमले को टाल सकता है। इजराइल के विदेश मंत्री का कहना है कि यदि हमास अपने कब्जे में मौजूद बंधकों को रिहा कर देता है तो पहले से नियोजित इस हमले को टाला जा सकता है। वहीं इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री अरब देशों के राजनेताओं से वार्ता के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक वह इस बात पर जोर देंगे कि ये संघर्ष और इलाकों में ना फैले। शंघाई में खेले जा रहे तीरंदाजी विश्व कप में पूर्व नंबर एक खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में दीपिका कुमारी को दक्षिण कोरिया की तीरंदाज से हार का सामना करना पड़ा। यह जानकारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने इतिहास रचते हुए 5 गोल्ड मेडल समेत कुल 8 मेडलों पर कब्जा जमाया है। वहीं इससे पहले कल शनिवार को भारत की ज्योति परनीत और अदिति ने महिला टीम इवेंट में इटली की टीम को मात देते हुए गोल्ड मेडल जीता था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।